गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर? अच्छे हो? और पढ़ाई कर रहे हो घर पर या नहीं? कर रहे हो सारे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है बेटा? हमने अपना चैप्टर 5, नेम ऑफ द चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। आ गए सबको मल्टीप्लाई करना। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, मैंने आप सबसे बोला था कि लर्न द टेबल, टेबल सबने लर्न कर ली? कंफर्म? देखो बेटा, अगर टेबल लर्न नहीं करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे अपनी? एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करें इसे करना। देखो बेटा, अगर आप इसे बॉक्स कॉलम्स में और बॉक्सेस में नहीं लिखते हो तो इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 है, पहले हम इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, फिर इस 4 से 2 4 जा 8। और जिस बच्चे को इस तरीके से नहीं करना है तो देखो अपने को ऐसे लिखेगा इन बॉक्सेस में, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। हो गया मल्टीप्लाई? ठीक है, सिखाया था ना मैंने आपको ये मल्टीप्लाई करना। ऐसे इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, बी सी डी, जैसे बी पार्ट आपका है 68 मल्टीप्लाई 1। मैंने आपको बताया था जब भी हम 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। जैसे 68 है तो आंसर आएगा 68। और अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता 4। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता 8। जिस भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर वो सेम डिजिट ही आएगी। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करोगे। अब उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? वर्ड प्रॉब्लम, जो हम बोर्ड पे करते हैं। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इज आवर वर्ड प्रॉब्लम। तन्मय है 35 स्टूडेंट्स इन 1 बैच ऑफ हिज डांस क्लास। जो तन्मय की डांस क्लास है उसके 1 बैच में कितने स्टूडेंट्स है बेटा? 35। If each batch has the same number of students, अगर हर बैच में same number of students means हर बैच में अगर 35 students ही हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? How many students does Tanmay have in 4 batches? अब उस आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 batches में कितने student होंगे total? कैसे statement बनेगी ना हमारी? Number of students, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 बैच कितने हैं? 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 बैच कितने बेटा? 4 बैच में क्या करेंगे हम? 35। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 बैचेस इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 4 से। अब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 35 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20, 0 यहाँ पर 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 कैरी 14, 13 14, कितना हो गया? 140 स्टूडेंट्स। 4 बैचेस में कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 140 स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 देयर आर 43 बोट्स इन अ लेक। एक लेक में कितनी बोट्स हैं बेटा? 43। ईच बोट, ईच का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा?
नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ बोट्स इन अ लेक नंबर ऑफ बोट्स इन अ लेक इक्वल टू 43 लेक में कितनी बोट्स है 43 नंबर ऑफ पीपल कैरीज इन वन बोट वन बोट में कितने पीपल बैठ सकते हैं बेटा 4 ठीक है अब लास्ट में आपसे क्या पूछा हाउ मेनी पीपल डू ऑल द बोट्स कैरी सो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन कैरीज इन 4 बोट्स सॉरी 43 बोट्स इन 43 बोट्स क्योंकि देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ पीपल बोट्स कितनी हमारे पास 43 एक बोट में कितने पीपल बैठ सकते हैं 4 नंबर ऑफ पीपल कैरीज इन 43 बोट्स 43 बोट्स में कितने बैठेंगे 43 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करो यहाँ पर साइड में 4 3 जा 12 4 4 जा 16 और 1 कैरी 17 अगेन चेक करो कहीं हमने गलती तो नहीं की 4 3 जा 12 1 कैरी 4 4 जा 16 1 17 172 पीपल एक साथ कितने पीपल बैठ सकते हैं बेटा 43 बोर्ड्स में 172 ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ओके बेटा इन क्वेश्चन नंबर 6 इन अ स्कूल ऑडिटोरियम देयर आर 50 रोज एक स्कूल ऑडिटोरियम में कितनी रोज है 50 ईच रो कैन अकोमोडेट 9 पीपल मींस हर एक रो में कितने पीपल बैठ सकते हैं 9 हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन द ऑडिटोरियम एट ए टाइम वो पूछ रहा है कि कितने लोग एक साथ ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ रोज इन आर स्कूल ऑडिटोरियम स्कूल ऑडिटोरियम में कितनी रोज है बेटा बताइए 50 ठीक है अब नंबर ऑफ पीपल कैन सिट इन वन रो नंबर ऑफ पीपल कैन सिट इन वन रो में कितने पीपल बैठ सकते हैं बेटा 9 अब टोटल नंबर ऑफ पीपल कैन सिट इन द ऑडिटोरियम कितने बैठ सकते हैं बेटा क्या करेंगे हम 50 मल्टीप्लाई 9 यहां पर आप 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को जब भी हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा 0 तो 0 9 का 0 9 5 जा मैंने आपसे बोला था कि टेबल लर्न करनी है टेबल लर्न कर लिया आपने तो आप 9 की टेबल पढ़ो और मुझे 45 ऑडिटोरियम में कितने पीपल एक साथ बैठ सकते हैं बेटा 450 पीपल ओके बेटा समझ में आ गया अब आपको बाकी के कुछ क्वेश्चंस बच गए जो 2 या 3 वो आपको अपने आप करने हैं अगर उन क्वेश्चंस में से आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना ओके बेटा